आए 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 नुक्कड़ नाटक वाले आए, आए 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 नुक्कड़ नाटक वाले आए, अपने दिल की बात बताने नुक्कड़ नाटक वाले आए, अपने दिल की बात बताने नुक्कड़ नाटक वाले आए, दिल की बात बताने नुक्कड़ नाटक वाले आए, दिल की बात बताने वाले नुक्कड़ नाटक वाले आए, दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ, दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से भी क्यों डरता है दिल, तो HIV का एक कारण ये भी है, HIV का एक कारण ये भी है संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध। अगर संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध होगे तो ऑब्वियसली आपको जो HIV का खतरा रहेगा, तो इसलिए हमेशा सुरक्षित यौन संबंध कीजिए। और आशु भाई कैसे हैं? और काकू भाई कैसे हैं? कहाँ जा रहे हो भाई? अच्छा यार, कौन सा नशा करने जा रहे हो? अच्छा यार, मेरे को भी कराओ फिर। ये कौन सा नशा है यार? आज तुम्हारा भाई तुम्हें जन्नत की शहर कराएगा। पहले तू करके दिखा भाई, ऐसा कौन सा नशा है? अच्छा यार, ठीक है यार, चलो पहले मैं चल भाई, अब तू ये कराएगा तेरा भाई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नशा कर रहे हैं। ऐसे कैसे? ये तो तूने इसकी खुद की इसको लगा दी, इससे तो HIV हो सकता है तुम्हें। अच्छा यार, तो तुम लोग नई सिरिंज क्यों नहीं लेते? हमें पता ही नहीं था सही है मार्केट से, देते नहीं कोई। तो रेड क्रॉस वाले तुम्हें फ्री में देते हैं, OTI वाले आओ तुम्हें मैं लेकर चलता हूँ। तो HIV का दूसरा कारण ये है कि अगर सुइयों का आदान प्रदान संक्रमित व्यक्ति से अगर सुइयों का आदान प्रदान करते हैं तो उससे भी HIV फैलता है। तो हमेशा जो है नई सीरिंज से जो भी करो, मतलब पहले डॉक्टर से भी अगर तुम जाते हो चेक करवाते हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो नई सीरिंज यूज करें, कभी भी और जो पहले यूज की हुई सीरिंज है वो ना यूज करें, तो उससे भी संक्रमण होता है। तो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बिना जांचा हुआ खून, संक्रमित खून अगर दूसरे पेशेंट को चढ़ाया जाता है तो उससे भी HIV होने का खतरा है। HIV के साथ साथ काला पीलिया और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो खून के साथ आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए हमेशा जांचा हुआ खून ही जो पेशेंट को चढ़ाया जाता है। राम राम जी। मेरी त्रिया टीका लगाया है तो नया टीका के लिए बताओ। पहले तो नमस्कार जी, आपका स्वागत है। हम TI प्रोजेक्ट से हैं। हम ऐसी कम्युनिटी पर काम करते हैं जिन्हें HIV का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे MSM, FHW और IDU जो ड्रग्स इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। जो वायरस है साझा उपयोग करते हैं सीरम सुई का, तो एक दूसरे के बॉडी के वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो हम
आपका स्वागत करते हैं, आप हमसे जुड़े, हम आपकी ओएसटी से दवाई उपलब्ध करवाएंगे जिससे आप जो रोज नशा करते हो, जो खरीदते हो, उससे आपका घर भी तंगी में जा रहा है, तो उसी कारण हम आपकी ओएसटी से दवाई उपलब्ध करवाएंगे जिससे आप जो कमाते हो पूरा दिन वो आप अपने घर पे दो, जिससे आपके बच्चे और आपकी जो पत्नी आपका गृहस्थी जीवन है वो अच्छे और खुशहाल तरीके से चल सके। ठीक है, तो आपसे जुड़ने हम आपको पहले आपसे जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उससे आप पहले हम आपका एचआईवी स्टेटस चेक करेंगे, तो हम आपका एचआईवी स्टेटस चेक करते हैं। आप ओह नो, आप तो एचआईवी पॉजिटिव है। अब मैं क्या करूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके ही पास सहायता और मदद के लिए हैं। और मेरी वाइफ पे तो बच्चा और टेस्ट करेंगे, आप उन्हें भी लेके आएंगे। मैं अभी कॉल करता हूँ जी, मिलना होगा। कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद के लिए बैठे हैं। तो ये चौथा कारण था, जो ये चार मुख्य कारण है, चौथा कारण ये था कि संक्रमित माँ से उसके बच्चे को भी एचआईवी होने का खतरा होता है, तो यही चार कारण है, मुख्य चार कारण जो दिखाए गए हैं एचआईवी के। तो गले लगने से, एक दूसरे के वस्त्र पहनने से, एक साथ भोजन करने से, एक ही वॉशरूम यूज करने से कभी भी एचआईवी नहीं फैलती है। ठीक है, सेफ सेक्स करने से कभी एचआईवी नहीं फैलती है। अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ तुम सेक्स कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ हमेशा ऐसा बिहेव कीजिए ताकि उसको पता ही न चले कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, अगर तुम्हें पता भी है तो। बहुत सारे एटी सेंटर्स में या फिर कहीं जगह मैंने देखा भी है बाहर फरीदाबाद साइड में, इस साइड में, कि अगर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है ना तो उसको वैसे बोलते हैं कि तुम वहीं खड़े हो जाओ, तुम्हें वहीं दवाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट की तरह वो करो, जज करो। हम सबका है एक ही नारा, एक मुक्त देश हमारा। हम सबका है एक ही नारा, एक मुक्त देश हमारा।